Hello students, in this video we have discussed about the next important phylum, phylum Eschelminthes. Phylum Eschelminthes में जितने भी आपके members होते हैं, अगर उस members का हम cross section cut करते हैं तो उनकी body जैसे generally हमको circular दिखती है. जब हम इनका cross section करते हैं तो body हमको कैसे दिखती है? Circular दिखती है. इसलिए इस members को हम generally बोलते हैं कैसे? Round worms. क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होगी, जब हम इनका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो आखिर उनकी बॉडी कैसी होती है? आपकी सर्कुलर होती है. मैक्सिमम एस्केलेमेंथीस के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके फ्री लिविंग होंगे या आपके एक्वेटिक होते हैं, कुछ आपके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और कुछ आपके पैरासिटिक भी होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में आपके डिजीज कास्ट करते हैं. तो जो भी आपके फाइलम एस्केलेमेंथीस के मेंबर्स हैं वो आपके फ्री लिविंग होंगे, एक्वेटिक भी हो सकते हैं या आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. कुछ आपके मेंबर्स जो होंगे आपके पैरासिटिक होंगे प्लांट्स और एनिमल्स में. इनकी जो बॉडी कैविटी होती है फॉल्स टाइप की बॉडी कैविटी होती है, यानी ऐसे कैसे होते हैं आपके स्यूडो सिलोमेट टाइप के होते हैं. स्यूडो सिलोमेट होते हैं मतलब मेजोडर्म आपकी लाइन नहीं होती है, जो बॉडी वॉल होती है आपकी मेजोडर्म से आपकी लाइन नहीं होती है. तो ये आपके स्यूडो सिलोमेट शो करते हैं. इसके अलावा आप देखोगे कि इनकी जो आपकी बॉडी होगी वह आपकी बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है. बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है मींस अगर इसको हम सेंटर से कट करते हैं तो आपके टू आइडेंटिकल हाफ में आपके डिवाइड होते हैं. यहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. एलिमेंट्री कैनाल आपका जो होता है कंप्लीट होता है. इनकेस ऑफ एस्केलेमेंथीस जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होगा वो आपका कंप्लीट होता है क्योंकि यहां पर आपका वेल डेवलप्ड आपके मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इन द सेंस क्या होगा कि यहां पर आपके दो ओपनिंग पाए जाएंगे माउथ और एनस, तो आपका कहलाएगा कि वह एलिमेंट्री कैनाल आपका कैसा है? कंप्लीट है. इसक्रीशन जो होता है आपका एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं और एक्सक्रीटरी ट्यूब्स आपके ओपन होते हैं एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा, उस पोर के द्वारा आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है. इसके आप अलावा देखोगे कि जो भी आपके फर्टिलाइजेशन होंगे आपके इंटरनल होंगे और डेवलपमेंट आपका दोनों कंडीशन में हो सकता है, या आपका डायरेक्ट भी हो सकता है या आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी जो भी आपका डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट भी हो सकता है या आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया आपका? इंटरनल हुआ. डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और आपका इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकता है. सेक्सेस आपके सेपरेट होते हैं. एक आपका फीचर्स क्या अभी तक आपने देखा इसके पहले प्लेटी एलिमेंथीस में, वहां पर आपके सेक्सेस आपके सेपरेट नहीं थे, बट इनकेस ऑफ एसके एलिमेंथीस जो सेक्सेस होंगे वो आपके सेपरेट होंगे, यानी वो कैसे होंगे आपके डायोइसियस होंगे. डायोइसियस होंगे इन द सेंस क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल होंगे वो आपके डिस्टिंक्ट होते हैं. जनरली अगर आप देखोगे तो जो आपका मेल होता है वह आपका स्मॉलर होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल के. तो जितने भी आपके एस्केलेमेंथीस के मेंबर्स होंगे वो आपके डायोइसियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल से आपके डिस्टिंक्ट होते हैं. दैट इज ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फाइलम एस्केलेमेंथीस. इसमें आपके एग्जांपल से आपका एस्केरिस, एस्केरिस से एक बीमारी भी होती है जिसको बोलते हैं हम एस्केरियोसिस. ओके, थैंक यू.